अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 10 to 14 करने जा रहे हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10, जो कि क्या है, वो है 125 का स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 64 का स्क्वायर, और फिर उस पर है होल ब्रैकेट पे कितनी पावर है 1/3। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हम वही तरीका करेंगे जो अब तक हमने किया है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस 125 का, 8 का और 64 का एलसीएम ले लेंगे ताकि हमें इनके फैक्टर्स मालूम हो जाएं। तो अब हम 125 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 125 का मैं एलसीएम लेने जा रही हूँ, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 125, ये 5 की टेबल से हो जाएगा क्योंकि 5 एंड में आया है, तो इसका मतलब ये कि 5 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा ये। तो 5 2 10, ठीक है, 2 यहाँ बचा इसके पास रिमेनिंग, तो 25 हो गया। 5 5 25 5 5 25 5 1 5, ठीक है, ये मैंने ले लिया है एलसीएम 125 का। इसी तरीके से मैं 8 का भी ले लूँगी और इसी तरीके से मैं 64 का भी एलसीएम ले लूँगी। तो 8 का क्या आएगा, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। उसके बाद इसी तरीके से मैं 64 का भी एलसीएम लूँगी। हमने लिया 64, ये 2 से इजीली डिवाइड हो जाएगा क्योंकि एंड में इवन नंबर है। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या आ गए हैं, हमारे पास इन सब के फैक्टर्स आ गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि अब मैं यहाँ पे 125 की जगह उसके फैक्टर्स 8 की जगह 8 के फैक्टर और 64 की जगह 64 के फैक्टर्स लिख दूँगी। तो अब क्या होगा, 125 की जगह पे क्या आ सकता है, 125 की जगह आ जाएगा 5 इंटू 5, ठीक है। इस पर स्क्वायर था, स्क्वायर लगा दिया, मल्टीप्लाई 8 की जगह पे क्या आएगा, उसके फैक्टर्स आ जाएंगे जो अभी हमने लिए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, उसके बाद अपॉन फिर क्या है, 64 है, 64 के भी हमने फैक्टर्स लिए हैं ये रहे, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूँगी, कितने हैं, 6 टाइम है वो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इस पर स्क्वायर था। अब मैं यहाँ स्क्वायर लगा दूँगी और इनकी होल पावर क्या है, 1/3, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे 1/3 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, भैया देखिए आप यहाँ पे बेस सेम है, जब भी बेस सेम होती है और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, तो यही काम हम इन तीनों वैल्यूज़ के साथ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, क्योंकि ये 1 1 और 1, ठीक है, इनको जब हम सम करेंगे इनकी बेस का, इनकी जो बेस की, इनकी जो पावर, उनका जब हम सम करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, उसके बाहर क्या लगा था, स्क्वायर, और इसकी होल पावर क्या है, 1/3। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हम इस 1/3 को इन पूरे ब्रैकेट पे दे देंगे, क्योंकि ये होल ब्रैकेट पे 1/3 लिखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 1/3 जो पावर है वो इसको भी मिलेगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अब हम इसको सब पे दे देते हैं अलग अलग करके। तो अभी क्या होगा, अब ये हो जाएगा 5 की पावर 3 थी, फिर 2 था, अब ये वाला 1/3 मैंने इसको भी दे दिया, ठीक है। अब 2 की पावर 3, फिर ये 1/3 इसको भी मिल जाएगा, अपॉन 2 की पावर 6, उस पर स्क्वायर, और 1/3 इसको भी मिल जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कैंसिल हो जाएंगी उसको हम, जो पावर कैंसिल हो रही होंगी उसे हम क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 1 3, 3 2 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो रिमेनिंग टर्म्स हमारे पास बचेंगी वो हम नीचे लिख देंगे अगले स्टेप में। तो क्या रिमेनिंग बचा हमारे पास, हमारे पास बचा ये 5 की पावर कितनी है, 2 बची, मल्टीप्लाई 2 की पावर 1, ऑन यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 2 थी, ठीक है, और उस पर ये स्क्वायर भी लगा हुआ है बाहर, तो हमारे पास 2 की पावर 2 और ये बाहर 2। अब हमें क्या करना, जस्ट अब हमें सिंप्लीफिकेशन करनी है, वो क्या होगा, 5 का स्क्वायर है, इसको अभी मैं ऐसे ही लिख देती हूँ, ये हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गई 2 की पावर 1,
फ़ोन में टू टू ज़ा क्या होता है, फोर होता है, तो टू की पावर क्या हो जाएगी, फोर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखें ये बेस सेम है, ये टू की पावर वन है, ये टू की पावर फोर है, बेस सेम है और ये क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो जब भी बेस सेम होती है और वो नंबर डिवाइड हो रहे होते हैं आपस में, तो हम क्या कर देते हैं, उनकी पावर को माइनस कर देते हैं, और यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो क्या करूँगी मैं, जो टू की पावर वन है उसको मैं नीचे ले आऊँगी। रीज़न उसका ये है, चले कोई बात नहीं, फिर आगे आपको होगा, मैं काम करती हूँ, उसको मैं ऊपर ही ले आती हूँ। ये हो गई फाइव की पावर टू, ठीक है, ये वन, तो ये ऊपर फोर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सही। अभी क्या हो जाएगा, फाइव की पावर टू हमें पता है 25 होती है, लिख दिया, और टू ऐसे लिखा, वन माइनस फोर कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, जब चार में से एक को निकालेंगे हम क्या बचेगा, तीन बचेगा, मतलब माइनस का थ्री। माइनस का थ्री मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन होता है वही आता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू की पावर माइनस थ्री। अभी पावर माइनस में है तो इसको प्लस में करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे प्लस में करने के लिए डिवाइड में लाना पड़ेगा, मतलब इसके ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 25/2 की पावर थ्री, और टू की पावर थ्री हमें पता है कितना होता है, एट होता है। किस तरीके से, टू की पावर थ्री का मतलब होता है कि हम उसे थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई करें, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, फोर टू ज़ा एट, तो इसका आंसर क्या आ गया, एट आ गया। तो हम नीचे क्या लिख सकते हैं, हम नीचे लिख देंगे 25 और अपॉन में आ जाएगा एट। अब आप ये देखेंगे, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि ऐसी फ्रैक्शन जिसका जो ऊपर वाली वैल्यू मतलब न्यूमिरेटर हो वो ग्रेटर देन है किसके, अपने डिनोमिनेटर से। तो अगर कभी भी ये वाली कंडीशन आ जाए कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए, तो हम वो आंसर नहीं देते, बल्कि हम क्या करते हैं, हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी बहुत आसान है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किस तरीके से, यहाँ हम लिखेंगे 8, जो न्यूमिरेटर मतलब जो ऊपर जो कुछ लिखा होता है उसे हम लिखते हैं अंदर। 8 की टेबल में 25 तो नहीं आता, लेकिन इससे कम 24 आता है, कहाँ तक, 3 तक। 8 3 = 24, इसको हम माइनस करेंगे, पाँच में से चार निकाला, कितना बचा, एक बचा। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये जो नंबर होता है ये कहलाता है होल नंबर, ठीक है, और ये जो होता है ये हमारा होता है न्यूमिरेटर, और जो डिनोमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर ही रहता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 3 whole 1/8, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, 3 whole 1/8। तो ये मैंने क्या किया है, सिंपली ये मैंने इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी वही काम होगा जो अभी तक हम करते आए हैं। यहाँ पे 4 है, हम 4 के फैक्टर्स लिख देंगे, 15 की जगह 15 के फैक्टर्स, 9 की जगह 9 के, 10 की जगह 10 के, 25 की जगह 25 के। इसके एलसीएम लेने की ज़रूरत तो नहीं है मुझे, क्योंकि ये बहुत ही छोटे नंबर हैं, तो हमें इसकी एलसीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वो एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, इसका क्या होगा, 2 की जगह हम सॉरी 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 multiply by 2, क्योंकि 2 × 2 = 4 ही होता है, तो इसकी पावर m हो गई। 15 की जगह क्या आ जाएगा, 3 multiply by 5, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है, तो इसकी जो पावर थी वो हमने लिख दी। और 9 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 multiply by 3, तो 9 की जगह आ जाएगा 3 multiply by 3, और उसकी पावर क्या थी, n − 2m, सही। अब क्या है, अपॉन, इसके बाद क्या है, नीचे 10 लिखा है, 10 की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 2 multiply by 5, तो 10 की जगह पे आ जाएगा 2 multiply by 5, उसकी पावर क्या थी, 2m थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2m। फिर क्या है, मल्टीप्लाई है, फिर लिखा है 25, तो 25 की जगह पे क्या आ जाएगा, 5 multiply by 5, और इसकी पावर क्या है, m − n हमने लिख दी। अब हमने क्या किया था, सिंपल जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी हमने जस्ट उनका एलसीएम, क्योंकि छोटे नंबर थे तो हमने डायरेक्ट खुद ही उसके फैक्टर्स लिख दिए। तो फैक्टर्स लिखने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने सबको उनकी पावर दे दी है। अब हम एक काम करेंगे, वो ये होगा कि जैसे ये हमें दिख रहा है कि ये बेस सेम है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, ये बेस सेम है तो इनकी पावर भी ऐड हो जाएंगी, और यहाँ पर भी इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। तो अब हम ये काम कर लेते हैं, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2, और उस पर m था, ठीक है। अब
यहाँ पे देखें ये 3 है और अंदर 5, यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता। तो हम एक काम करेंगे, इसके ऊपर होल पे पावर है ना, तो ये जो पावर है हम क्या करेंगे, इसको इस पावर को हम इस 5 को भी दे देंगे और इस 3 को भी दे देंगे, क्योंकि वो पूरे ब्रैकेट के ऊपर वो पावर है। इस वजह से हम क्या करेंगे, उस दोनों नंबर को वो पावर दे देंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि हम 3 को भी क्या दे देंगे, हम 3 को भी दे देंगे 4m-2n+1, उसी तरीके से हम 5 को भी दे देंगे यही पावर 4m-2n+1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तो इनकी बेस है मैं तो पावर प्लस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 और बाहर क्या लिखा है n-2m। सही, अब हम क्या करेंगे, अब हम यही काम नीचे भी करेंगे जो उसके अपॉन में था। तो अब ये होगा, ये 2 है ये 5 है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग 2 की पावर m दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2m मल्टीप्लाई 5 की पावर 2m। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनकी बेस सेम है तो पावर जो है इनकी ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 2 और उसकी क्या है बाहर m-n। सही, अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट ये करेंगे कि जो पावर पे पावर है हम उनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ये पावर पे पावर है, ये 2 इस पूरी पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी इस तरीके से ये क्या हो रहा है, इन पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तब हम एक काम करेंगे, हम पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब हम करेंगे पावर को मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 है, जब 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2m ही आएगा, तो ये हो जाएगा 2m। ठीक है, ये एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसका कोई पावर नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देंगे ऐसे ही। उसके बाद 5 वाली टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी 4m-2n+1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि 3 है उसकी पावर 2 है और बाहर लिखा है n-2m, तो इसका मतलब ये है कि 2 जो है पूरे n-2m से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हम पूरे इस n-2m से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। यहाँ कोई सिंबल नहीं है तो प्लस का होगा, तो प्लस माइनस माइनस 2 2 4m। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब ये होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि 2 की पावर 2m थी वो मैंने ऐसे ही लिख दी। उसके बाद क्या लिखा है, 5 की पावर 2m है वो भी हमने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद क्या है, ये 5 है और ये 2 जो है इस m-n से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2m-2n। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जो है बेसिस हम जो एक जैसी होंगी ना, सेम बेसिस जो होंगी हम क्या करेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर को ऐड कर देंगे, और अगर वो डिवाइड हो रही होंगी तो हम उनकी पावर को माइनस कर देंगे। अब आप देखिए बेसिस कौन कौन से सेम हैं, जैसे कि एक 2 मुझे यहाँ दिख रहा है और एक 2 ये दिख रहा है, तो इनकी बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस हो जाएगी। इसी तरीके से ये 3 और ये 3 ये यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और ये 5 और ये 5 नीचे जो है क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। देन हम जो आंसर आएगा उसके बाद इसकी पावर से सब्ट्रैक्ट करवा लेंगे। ठीक है, तो अब हम बारी बारी ये काम करते चलते हैं। तो मैं क्या करूँगी, 2 को मैं एक बार लिखूँगी, उसके बाद मैंने पावर लिखी 2m, और जो इसकी पावर नीचे थी ना 2m, ये ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस का 2m हो जाएगी। सही, उसके बाद क्या होगा, 3 मैं एक बार लिखूँगी, इसकी पावर जो है वो मैं लिख दूँगी 4m-2n+1। अब ये वाला 3 था ना, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर है 2n-4m, तो ये यहाँ पे आके इसके साथ प्लस हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो ये हो जाएगा प्लस का 2n-4m। ओके, और जो रिमेनिंग जो 5 वाली टर्म थी उसको मैं अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा 5 और इसकी पावर क्या है, 4m-2n+1। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब डिवाइड जब मैं इसे करूँगी तो ये क्या होगा, नीचे तो जो ये वाला जो 2 था उसको तो हम ऊपर लेकर आ गए थे, तो ये वाला 2 तो ख़त्म हो गया। अब ये वाला 5 और ये 5 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इस 5 को मैं एक बार लिखूँगी और इनकी पावर को ऐड कर दूँगी, ये क्या है 2m है, तो ये वाला जो इसकी पावर है इसमें प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2m प्लस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा, 2n। ठीक है, तो अब आप ये देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि ये प्लस का 2m है, ये माइनस का 2m है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
सही यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो रहा है। ये प्लस का 4m, ये माइनस का 4m कैंसिल आउट हुआ, माइनस का 2n, प्लस का 2n कैंसिल आउट हो गया। सही, अब और कुछ नहीं हो रहा। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है कि यहाँ तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2 की पावर क्या बची, 0 बची। और यहाँ पे 3 के साथ क्या बचा, 3 के साथ बचा सिंपल 3 की पावर 1, क्योंकि सब कैंसिल आउट हो गई है, बस ये वाला 1 बचा था, ठीक है। और बाकी जो 5 के साथ, तो सारी ही वैल्यूज ऐसी ही आ जाएंगी, तो ये हो जाएगा 4m माइनस 2n प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम नीचे वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 2m प्लस 2m कितना हो जाएगा, 4m, ये हो जाएगा 4m, और ये क्या है, माइनस का 2n, ठीक है। अब मुझे ये देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 2 की पावर 0 इक्वल होता है 1 के, या किसी भी नंबर के या वेरिएबल की पावर अगर 0 होती है तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहाँ पे इसकी जगह आ जाएगा 1, और 3 की पावर 1 क्या होती है, 3 ही होती है, वो हमने ऐसे ही 3 लिख दिया। आप यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 5 दोनों की बेस सेम है और इनकी पावर क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, क्योंकि बेस सेम है और ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनकी पावर माइनस हो जाएंगी। तो 5 को हम एक बार लिखेंगे और ऊपर जो वैल्यू लिखी है ये 4m माइनस 2n प्लस 1, उसको हमने एक बार लिखा, फिर माइनस का साइन लगाया और एक ब्रैकेट बनाया, जो नीचे की जो वैल्यूज़ हैं वो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि थी 4m माइनस का 2n। इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि जब भी कभी कोई वैल्यूज़ माइनस हो रही होती हैं तो आप लाजमी ब्रैकेट बना दिया करें, क्योंकि माइनस की वजह से उसके अंदर की तमाम वैल्यूज़ के जो साइन है वो क्या हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये अंदर की तमाम नंबर से मल्टीप्लाई होता है माइनस का साइन। जब भी मैंने भी यहाँ पर क्या लगा दिया, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा दिया, अब यहाँ पर क्या होगा, ये 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 5 को हमने ऐसे ही लिखा, ये क्या है, ये है 4m, अभी फ़िलहाल हम ऐसे ही लिखते हैं, ये है 2n प्लस का 1, माइनस प्लस माइनस का 4m, माइनस माइनस प्लस का 2n। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिंप्लीफिकेशन होगी वो हम यहाँ पे कर लेंगे, ये प्लस का 4m है, ये माइनस का 4m है, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 2n है, ये प्लस का 2n है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे सिंपल ये बचा, ये 3 बचा था, और यहाँ पे क्या बचा, 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 5 ही होता है, तो 3 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 5 = 15, तो यही हमारा आंसर है, ओके। अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 216, उसकी पावर क्या है, 2/3, फिर 25 की पावर 1/2, फिर 1/25 की पावर माइनस का 3/2, फिर उन सब पे क्या है, एक अंडर रूट लगा हुआ है। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, हम सबसे पहले 216 के फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे, 25 की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 5×5। तो हम चलते हैं एलसीएम की तरफ 216 के, ताकि हमें उसके फैक्टर्स मालूम हो जाएँ। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेती हूँ, एलसीएम फाइंड कर लेती हूँ 216, क्योंकि इसके एंड में इवन नंबर है, तो ये इजीली क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर से हो जाएगा, तो इसको हम मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा इजीली, तो ये हो जाएगा 2×1 = 2, ठीक है। अब ये 1 है, तो 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता ना, तो हमें 6 की भी ज़रूरत पड़ेगी, दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम कभी भी दो वैल्यूज़ को एक साथ सिंप्लीफाई करते हैं तो बीच में हम क्या लगाते हैं, एक ज़ीरो लगाते हैं, क्योंकि हमने क्या लिए हैं, दो वैल्यूज़ एक साथ ली थी, ठीक है। तो अब ये 16 आता है 2 के टेबल में, कहाँ तक, 8 तक, तो ये हो जाएगा 2×8 = 16। अभी दोबारा 2 से हो जाएगा 2×5 = 10 और 2×4 = 8। अब आप ये कहेंगे कि आपने यहाँ तो दो वैल्यूज़ ली हैं, तो देखिए ये शुरू में स्टार्ट में हम दो वैल्यूज़ ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम कभी बीच में, जैसे हमने यहाँ पे सेंटर में दो वैल्यू ली थी ना, तो अगर इस टाइप की कंडीशन होगी तो हम बीच में ज़ीरो लाजमी लगाएंगे, लेकिन शुरू में हम ले सकते हैं, ठीक है। तो अब ये मतलब दोबारा 2 से हो जाएगा 2×2 = 4, एक यहाँ पे आ जाएगा, ये 14 हो गया, तो 2×7 = 14, फिर होगा 3×9 = 27, 3×3 = 9 और 3×1 = 3। ये हमने क्या ले लिए, ये हमने फैक्टर्स ले लिए हैं 216 के। अब हम 216 की जगह उसके फैक्टर्स को रख देंगे, तो रखते हैं, अब क्या होगा, अब ये होगा कि मैंने क्या बनाया, अब मैं यह बनाऊंगी रूट। अच्छा ये देखें, आपको पता होना चाहिए कि अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ कहीं भी अंडर रूट लगा हो तो उसका मतलब होता है उसकी पावर क्या होती है, 1/2।
तो मैं अब हर जगह रूट नहीं लगाऊंगी, मैं पावर 1/2 लिख दूंगी, ठीक है। तो ये मैंने एक ब्रैकेट बनाऊंगी सबसे पहले तो, ताकि मैं उस पर होल पे 1/2 एंड में दे दूँ। अभी 216 था, इसकी जगह पे हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे, जो कि क्या थे, 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, ठीक है। और इसकी पावर क्या है, 2/3 है, तो मैं यहाँ पे इसकी पावर दे दूँगी 2/3। उसके बाद क्या है, 25 लिखा है, और 25 का फैक्टर्स हमें मालूम है 5 × 5 होता है, ठीक है। उसकी पावर क्या है, 1/2, मैंने यहाँ लिख दिया 1/2। उसके बाद ये क्या लिखा है, अपॉन, और यहाँ लिखा है 1/25 की पावर माइनस का 3/2। अब देखें यहाँ पे पावर माइनस में है, तो हमें इसको प्लस में करनी पड़ेगी। तो पावर को प्लस में करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उनकी वैल्यूज़ को रेसिप्रोकल कर देते हैं। मतलब अगर कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे ऊपर ले आते हैं, मतलब न्यूमिनेटर में ले आते हैं, या न्यूमिनेटर में होता है तो उसे हम नीचे ले आते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में। अब क्योंकि ये 1/25 था ना, और पावर भी माइनस में थी, तो इसकी पावर को प्लस करने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं सिंपल ये कर दूँगी। अच्छा, 25 के मैं डायरेक्ट फैक्टर्स ही लिख रही हूँ, ठीक है, 5 × 5, और ये पावर प्लस में हो जाएगी अब, क्योंकि ये 1/25 था और पावर माइनस में थी, तो पावर को प्लस करने के लिए मैंने सिंपल 25 कर दिया, मतलब उस वैल्यू को पलट दिया। और अब इन सब पे होल पे पावर आ जाएगी, जो कि थी 1/2। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही काम करेंगे जो अभी किया था, कि इनकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। चलें करते हैं इनकी पावर ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 1, 2, 3 है ना, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, और इसकी होल पावर थी 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा, ये कितने हैं, 5 की पावर 2, और इस पर है 1/2, सही फोन। नीचे भी क्या आ जाएगा, 5 की पावर 2, और इसकी पावर क्या है, 3/2, और इन सब की होल पावर क्या है, 1/2। अब मैं क्या करूँगी, अब ये करूँगी, देखिए यहाँ 2 की पावर 3 है, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, तो इस 2/3 को मैं क्या करूँगी, इसको मैं दोनों को दे दूँगी, क्योंकि ये पूरे ब्रैकेट पे था, तो ये 2/3 इसको भी मिल जाएगा, ये 2/3 इसको भी मिल जाएगा, तो दे देते हैं। और उससे पहले यहाँ देख लेते हैं और क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि ये वाला 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर था वो नीचे था, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमने यहीं पर इसको कैंसिल आउट भी कर दिया। रिमेनिंग क्या बचा वो हम यहाँ नीचे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3, सही, और उसकी पावर 2/3। इसी तरीके से यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 3, और उसकी पावर 2/3, सही। अभी क्या है, 5 की पावर हमारे पास क्या बची थी, सिंपल 1 बची है, 1 लिख दिया। वैसे 1 लिखते नहीं है, लेकिन आपको बताने या समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ। तो नीचे क्या आ जाएगा, 5 की पावर 3 ही बची, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया था, 3 ही बची है 5 की पावर, और इन सब पे क्या था, 1/2 होल पे। अब क्या करूँगी, अब हम ये करेंगे कि ये जो 1/2 है, ये क्योंकि पूरे ब्रैकेट पे लगा हुआ था, अब हम ये 1/2 बारी बारी तमाम वैल्यूज़ को दे देंगे। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे एक और सिंप्लीफिकेशन हो रही है, कि ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हमने इसे कैंसिल आउट कर लिया, तो रिमेनिंग क्या बचा, यहाँ पे बचा है 2 बचा है, ठीक है, फिर 2 की पावर 2 बची है ना, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 2। अब ये 1/2 ना मैं सबको दे रही हूँ, तो मैं इसको भी मैं 1/2 दे दूँगी, तो मैंने इसको 1/2 दे दिया, ओके। इसी तरीके से ये 3 है, 3 की पावर क्या है, 2 है, 2 बची है, अब इसको भी हम क्या कर देंगे, 1/2 दे देंगे। इसी तरीके से हम 5 की पावर को भी 1/2 दे देंगे, और यही काम नीचे भी हो जाएगा, 5 की पावर 3 है, उसको भी मैं क्या दे दूँगी, 1/2 दे दूँगी। जो सिंप्लीफिकेशन होती है तो वो कर लेंगे, तो क्या होगा, ये 2 से ये 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वाले 3 से ये 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ रिमेनिंग सिंपल बचा 2, ठीक है, 2 की पावर 1 बची, यहाँ सिंपल क्या बचा, 3 बचा। अब आप ये देखें कि ये 5 है, इनकी बेस सेम है, और ये डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को ऊपर आके माइनस कर देंगे। तो ये 5 की पावर क्या थी, 1/2 मैंने लिख दी, ये वाली पावर ऊपर आके माइनस हो जाएगी, तो क्या ये 3 × 3/2, तो ये 3/2 है ना, तो ये 3/2 ऊपर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको हमने यहाँ लिख दिया 3/2। तो ये 2, 3 आराम से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2, 3 × ये 2, 3 × 6 होता है। 5 को एक बार लिखा, इसका एलसीएम हमें लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 2 को हमने एक बार ही लिखा, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें कोई काम ही नहीं करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 1 − 3, ठीक है,
अब ये क्या होगा, सिक्स ऐसे लिखा, ये फाइव लिखा, प्लस का वन, माइनस का थ्री, प्लस माइनस माइनस, तीन में से एक निकाला, दो बचा, तो हमने लिख दिया टू अपॉन टू। और यहाँ साइन आएगा माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है ना उसके साथ माइनस का साइन, जिसके जो भी बड़ी वैल्यू होती है उसके साथ जो साइन लगा होता है, जो सिंबल लगा होता है, वही सिंबल हम लगाते हैं। अब आप ये देखिए, इस टू से ये टू कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या बचा, सिंपल बचा फाइव की पावर, हमारे पास बचा फाइव की पावर माइनस वन। अभी माइनस वन है तो इसको प्लस में करने के लिए मैं क्या करूँगी, नीचे ले आऊँगी डिवाइड में, ताकि इसकी पावर प्लस हो जाए, तो ये हो जाएगा सिक्स अपॉन फाइव। ठीक है, ये भी ऊपर था ना, तो मैंने क्या कहा था, अगर पावर माइनस में हो तो उसे पॉजिटिव करने के लिए हम, अगर वो न्यूमरेटर में होता है तो हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, या अगर वो डिनोमिनेटर में होता है तो हम उसे न्यूमरेटर में ले आते हैं। तो हमने यही किया, तो ये हो गया सिक्स अपॉन फाइव। तो अब देखें यहाँ पे भी ये क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि अगर ऊपर वाली वैल्यू मतलब न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर देन हो अपने डिनोमिनेटर से। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे भी इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। और मिक्स फ्रैक्शन को मैं कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसे डिवाइड कर देंगे, फाइव बाहर ही रहेगा, सिक्स अंदर रहेगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, जो डिनोमिनेटर होता है वो चेंज नहीं होता, वो वही रहता है, तो हम उसे बाहर लिखते हैं। ठीक है, तो फाइव वन ज़ा फाइव, बाकी बचा वन, तो ये होल नंबर है हमारा, ये न्यूमिनेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वन होल वन अपॉन फाइव, और ये क्या है आंसर। चले स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अपने अगले सवाल मतलब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये थोड़ा सा देखने में लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कुछ अभी तक हम काम करते आए हैं वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। और ये जो डॉट लगे आपको दिख रहे हैं ना, तो डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे, इन तमाम नंबर के फैक्टर ले लेंगे, मतलब फैक्टर यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखें, टू का तो कुछ फैक्टर नहीं है, सिक्स ट्वेल्व का आपकी आसानी के लिए मैं ले लेती हूँ, ताकि आपको ख्याल रहे, ट्वेल्व का ले लेती हूँ मैं, एक काम करती हूँ एटीन का और एटी वन का, बाकी के फैक्टर्स तो हमें पता है। ठीक है, तो मैं ट्वेल्व का जब मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँगी, उसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ट्वेल्व मैंने लिखा, ये क्योंकि इवन नंबर है तो ये टू से इजीली हो जाएगा, टू सिक्स द ट्वेल्व, टू थ्री द सिक्स और थ्री वन द थ्री, ये हमने ट्वेल्व का फैक्टर ले लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम 27 के ले लेंगे, जबकि हमें पता है वो थ्री का क्यूब होता है, लेकिन फिर भी मैं ले लेती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो ये है थ्री नाइन ज़ा 27, थ्री थ्री ज़ा 9 और थ्री वन ज़ा 3। ओके, अब हम ले लेते हैं 18 का, यहाँ पे मैं ले रही हूँ 18 का और फिर 81 का। चलो मैं यहाँ पे पहले 81 का ले लेती हूँ। तो ये इजीली जो है 3 के टेबल से हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 टू ज़ा 6, 6 है ना, दो बचा, वो यहाँ पे आ जाएंगे, ये होगा 21, तो 3 सेवन ज़ा 21, 3 नाइन ज़ा 27, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। तो ये हमारे पास आ गए 81 के फैक्टर्स। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे 18 के फैक्टर्स, 18 नाइन टू से इजीली हो जाता है, तो ये हो जाएगा 2 नाइन ज़ा 18, 3 थ्री ज़ा 9, 3 वन ज़ा 3। ये हमने इन सब के फैक्टर्स ले लिए। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स की जगह इनके फैक्टर्स रख देंगे। तो 2 तो ऐसे ही है, तो हमने लिख दिया 2 है, उसकी पावर क्या है 1 अपॉन 3। 12 की जगह पे हम उसके फैक्टर्स लिख देंगे जो अभी हमने फाइंड किया। अच्छा, अब डॉट की जगह ना मैं मल्टीप्लाई लगा देती हूँ, ताकि आप लोगों को इजी रहे ये समझने में। तो 12 की जगह पे क्या आ जाएगा, जो अभी हमने इसके फैक्टर्स लिए हैं, जो के हैं 2 मल्टीप्लाई 3 और उसकी पावर क्या है 1 अपॉन 2। 27 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर 1 अपॉन 3। 5 तो ऐसे ही है, तो 5 की जगह ऐसी 5 ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि 10 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि 2 5 10 होता है और उसकी पावर क्या है 1 अपॉन 2। ये मल्टीप्लाई है, 4 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इसकी पावर क्या है माइनस का 1 अपॉन 3। ठीक है, 18 की जगह आ जाएगा 2, जो हमने अभी इसके फैक्टर्स लिए हैं, जो कि है 2 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर क्या है 1 अपॉन 2 है, तो मैं इसको यहाँ पर 1 अपॉन 2 दे दूँगी। उसके बाद 81 लिखा है, 81 के फैक्टर्स अभी हमने ले लिए थे, जो कि क्या था 3 मल्टीप्लाई 3 और इसकी पावर है 1 अपॉन 4। तो हमने क्या किया, जस्ट हमने उन नंबर्स के एलसीएम लेके उनके फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे, अब हमने वो फैक्टर्स लिख दिए।
अब हम वही काम करेंगे जो हमने किया था। क्या था कि देखें इनकी बेस में मैं इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, इनकी पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम इनकी पावर को ऐड कर देते हैं। तो 2^1/3 है उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ये 2^2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2^2, और 3 तो अकेला ही है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। 3^3 यहाँ पे हो जाएगी 3, और यहाँ बाहर 1/3 हो जाएगा, और ये क्या था, ये हो जाएगा 5^1/2, सही। अब क्या करेंगे, यही काम नीचे करेंगे। अच्छा मैं क्या करूँगी, इस 2^2 को, 2 और 5 है ना, इस पर 1/2 है, तो हम मैं ना यहाँ पे अलग से देते हुए जा रही हूँ इसको, मतलब 2 को भी मैं 1/2 दे देती हूँ, इस तरीके से 5 को भी मैं 1/2 दे देती हूँ। उसके बाद ये क्या होगा, 2^2 ही 2 हो जाएगी, और ये माइनस का 1/3, ये क्या हो जाएगा, 2 ऐसे ही है, एक ही है, तो 2^1/2 अलग से दे दी, 3 दो है ना, तो इसको मैं कर लूँगी 3^2, और इसको भी मैंने 1/2 दे दी। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 3^4 ही 4 हो जाएंगी, तो 3^4, और इसकी पावर क्या है, 1/4। सिंपल मैंने क्या किया, सबकी पावर ले ली है, सबकी पावर को ऐड कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, जस्ट मैं जो इसमें कैंसिल आउट हो रही हैं पावर्स, उनको मैं कैंसिल आउट कर दूँगी। किस तरीके से, जैसे कि ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो रहा है, और क्या हो रहा है, और ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, और ये 4 इस 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैंने इनको भी क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं क्या होता है। ये लिख दिया 2^1/3, ठीक है। अच्छा हमने इसको पावर नहीं दी थी अलग अलग, तो मैं यहाँ दे देती हूँ इसको, तो ये 2^2 है, इसको भी 1/2 मिल जाएगा, और ये सिंपल 3 है, इसको भी क्या मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा। अब ये देखें आप, ये इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल ये भी 2 रह गया। अब यहाँ पे क्या बचा, ये 3^1/2 था, अब यहाँ पे बचा 3^ ये सिंपल 1, और यहाँ बचा 5^1/2, सही। अब 2^2 क्या बची, 2^2 बची 1/2, 5^1/2 बची है। अच्छा यहाँ पे देखें, ये है 2^2, और उस पर है माइनस का 1/3, तो ये हो जाएगा 2^2 माइनस का 2/3, माइनस का 2/3 है ना, तो मैं काम कर रही हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाती हूँ। ऊपर क्यों लेके जाऊँगी, न्यूमरेटर में इस वजह से लेके जा रही हूँ ताकि इसकी पावर जो है पॉजिटिव हो जाए, तो मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ। मैं यहाँ लिख देती हूँ 2^2/3, यही था ना 2/3, लेकिन माइनस की थी, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे ऊपर लेके आ गई, तो ये वाली वैल्यू जो है अभी ऊपर जा चुकी है। अब रिमेनिंग क्या बचा, अब बचा हमारे पास 2^1/2, सिंपल 3 बचा, और यहाँ पे सिंपल 3 बचा। अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा तो हम कैंसिल आउट कर देंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, जो उनकी अगर बेस सेम होगी पावर और वो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनकी पावर को ऐड कर देंगे। अब यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, हमने कर दिया। 5^1/2 यहाँ भी है, 5^1/2 यहाँ भी है, चाहें तो हम यूँ भी कैंसिल आउट ऊपर लेके आके भी कर सकते हैं। चले मैं आपको ऊपर लेके आके बता देती हूँ, ठीक है। बेस सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होने से पावर माइनस हो जाएगी। अब मैं काम कर रही हूँ, काम क्या कर रही हूँ कि 2 की ये 2 है, ये 2 है, और ये 2 है, तो इन सब की बेस सेम है, तो पावर को मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। और नीचे भी क्या है, ये 2 और 2 हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके भी पावर को मैं ऐड कर दूँगी, ठीक है। और ये 5 और ये 5 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो इनकी पावर को मैं माइनस कर दूँगी। तो करते हैं ये काम, 2 एक बार लिखा मैंने, क्या लिखा, 1/3 लिखा, इसके साथ ये 2 भी है ना, मल्टीप्लाई था, तो पावर्स की क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, मतलब ये प्लस का 1 हो जाएगी। अच्छा प्लस का 1 लिखने से पहले मैं ये वाली वैल्यू पहले लिख देती हूँ, 2/3, प्लस का 2/3 क्यों मैंने लिखा, क्योंकि ये LCM भी था, फिर 2/3 1/3 2/3 हम इजीली प्लस कर सकते हैं, तो इस वजह से ना मैंने उसको पहले लिख दिया। वरना आप ये भी लिख सकते हैं, आंसर तो एक ही आएगा, लेकिन जस्ट मैंने आपकी आसानी के लिए मैंने ऐसा किया ये, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1। अब मैं क्या करूँगी, अब ये करूँगी कि 3 को मैंने एक बार लिखा, 3^2 है 1/2, अच्छा और क्या है, और कुछ भी नहीं है। और ये है कि यहाँ पे 3^2 ये वाली मैंने ये लिखी है, ये वाला और 3 और ये वाला 3 तो कैंसिल आउट हो गया, सिंपल अब ये 3 बचे ना, तो 3^2 ये क्या है, 1 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, माइनस का 1, तो मैंने ये लिख दिया, तो 3^2 भी ख़त्म हो गई, 2 की भी ख़त्म ऊपर। अब हम नीचे लिखते हैं, नीचे 2 लिखा था, एक बार लिखा, उसकी पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 लिखा हमने,
ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो ये 1/2 है और ये भी क्या है 1/2, तो ये 1/2 प्लस 1/2, ठीक है सही। अब क्या होगा, अब ये सिंपल हमने इस तरीके से लिख दिया। और अब मैं क्या करूँगी, अब आप ये देखें ये जो 5 है ना, इस 5 को भी मैं क्या कर लूँगी, इस 5 को, ये 5 की पावर 1/2 है, ये 5 की पावर 1/2 है, चाहें तो हम कैंसिल आउट कर देती हूँ, यहीं पे कर देती हूँ 5 की पावर 1/2, ठीक है। हम अब ऊपर लेकर आते हैं तो सिंप्लीफाई करते हैं। अब जस्ट हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से होगी, अब आप ये देखें यहाँ पे हो क्या रहा है। अब इसको भी हम करेंगे लेकिन बाद में, अभी हम पहले कर लेंगे। अगर मैं एक साथ कर लेती ना तो बहुत सारी वैल्यूज आ जाती हैं, फिर आप लोग आंसर गलत लेकर आते हैं उसका इस तरीके से। तो ये 1/3 प्लस 2/3 है ना, तो इसका एलसीएम लेने की ज़रूरत तो नहीं है, सिंपल ये सिंपली प्लस हो जाएगा। 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3/3। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे 3/3 है, ठीक है। कितना है, ये है 3/3, उसके बाद क्या है प्लस का 1 है, मैंने लिख दिया प्लस का 1। अब यहाँ पे क्या है, ये 3 है, ये 2 है, इसके नीचे 1 है, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम आएगा 2, और ये हो जाएगा इस तरीके से। अगर आपको एलसीएम मिलना नहीं आता तो ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया, आप वहाँ से जाके इसको सीख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये भी 2/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2/2 है, ठीक है। अब होगा ये 3 से 3 कैंसिल आउट, उस 2 से ये 2 कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या बचा, सिंपल हमारे पास बचा 2 1 + 1, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, 1 बचा 1 + 1, और यहाँ पे क्या बचा 3, और 1 में से जब हम 2, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। ये माइनस का, ये 1/2 बचा, और नीचे क्या है, नीचे क्या बचा हमारे पास, सिंपल 2 बचा, 2 की पावर 1 बची, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 की पावर 2, 2 का स्क्वायर है ना, वो 1 + 1 2 होता है, ये हो गई 3 की पावर -1/2, और नीचे बचा सिंपल 2 की पावर 1। तो जब भी 2 की पावर 1 ऊपर आके माइनस होगी तो 2 में से जब हम 1 निकालेंगे सिंपल 2 बचेगा, तो हमारे पास बचा 2, और ये क्या बचा है 3 की पावर -1/2, और इसको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा ना पावर को, तो पावर को प्लस में करने के लिए क्या करूँगी, 3 को मैं नीचे लेके आ जाऊँगी, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। और हम सब जानते हैं कि 3 की पावर जो, मतलब ये 1/2 है, इस 1/2 का मतलब क्या होता है, इस 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, तो क्या आ गया हमारा आंसर 2 की पावर 2/√3। और ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, कभी भी हम इस तरीके से आंसर नहीं लेते, मतलब अपॉन में या नीचे डिनोमेटर में जो है अंडर रूट की वैल्यू नहीं लिखते, हमें इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि जो नीचे वैल्यू है उसी को मल्टीप्लाई भी करेंगे और उसी से क्या करेंगे, इसको डिवाइड भी करेंगे। तो जब हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, ये मैंने ऐसे लिखा 2 √3, मुझे इस 3 से ही मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और इसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 2 √3। अब देखें ये दोनों, इनकी बेस सेम है और पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर अंडर रूट है ना, मतलब हाफ है, और इसकी पावर अंडर रूट मतलब ये भी हाफ है, और हाफ और हाफ, तो हम इसको साइड पे कर सकते हैं ना, इसको इस तरीके से देखें, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3/3 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/2, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो रहे थे ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 3 √3 × 3, या 3 की पावर 1/2 × 3 की पावर 1/2, बेस सेम है, हम इसको एक बार लिखेंगे और इनकी पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद क्या आएगा, सिंपल 2, और ये हो जाएगा 1 + 1, और इसका आंसर क्या आ जाएगा 2/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट होगा और सिंपल 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी जगह यहाँ नीचे क्या लिख सकती हूँ, सिंपल 3, और यही हमारा आंसर है। या इसका आसान तरीका ये भी है कि ये हाफ अंडर रूट 3 है और ये हाफ अंडर रूट 3, जब हाफ अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा हाफ अंडर रूट 3 से, इसका मतलब बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी ना, तो ये आधा है, ये भी आधा है, जब हम आधे में आधे को प्लस करते हैं तो आंसर क्या आता है, पूरा। हाफ अंडर रूट 3 मतलब आधा 3 आधा 3, इनकी पावर को जब हम ऐड करेंगे, आधी ये है ये पावर और आधी पावर ये हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, पूरा 3। तो 2 √3/3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 14।
अब आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 4 है उसकी पावर 3, और 3 की पावर क्या है 2, और डिवाइड है 4 2 की पावर 3। तो इसमें जो है बच्चे अक्सर गड़बड़ी कर देते हैं कुछ, तो मैं आपको बताती हूँ होगा क्या। यहाँ पे ये होगा, ये 3 की पावर 2 है ना, तो 3 की पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे और 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। फिर हमने लिखा डिवाइड, फिर ये 4 लिखा, 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, यही होगा। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके देते हैं, तो 3 3 9, डिवाइड 2 2 4, ये देखें ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, तो ये 4 की पावर हो जाएगी 8, सही। अभी डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 9 अपॉन 4 की पावर 8, ठीक है। अब बेस सेम है, पावर क्या हो रही है, इनकी पावर ऊपर आके क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, 9 माइनस 8 ऐसा हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम थी, पावर माइनस हो जाएंगी, तो 9 में से जब हम 8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 हमें पता है क्या होता है, 4 होता है, और ये हमारा क्या है 2.7 के लास्ट क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करती हूँ आपको 2.7 समझ में आई होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।